मतलब ये शटरिंग इस तरह पहले बनता है, ये अलायदा बनता है, ये अलग है, ये अलायदा बन जाता है और वो अलायदा बन जाता है, फिर वेल्ड कर देते हैं। ठीक हो गया भाई, बहुत बढ़िया भाई साहब, बन रहा है मेनहोल कवर। ये इसका डाई कितना है? इसका डाई 1 मीटर, 1 मीटर 74 70। अच्छा, इसका ये स्टील बार ये कौन सा मिली है? 14 मिली है और 16 मिली। अच्छा, तो ये जगह ऊपर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये वाली जो कॉर्नर है वो थोड़ा ऊपर है, ऊपर बैठेगा। हाँ, तो ये ऊपर बैठेगा मेन हॉल के, वो थोड़ा नीचे जाएगा। बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है, ठीक हो। इसके ऊपर फिर और दूसरा ढक्कन डालेगा? हाँ, तो इसके ऊपर दूसरा ढक्कन आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ आशिम साहब, ये क्या बन रहा है? ये केच बेसन है, मतलब उसका ये शटरिंग है और ये इसका डायरेक्ट होल। हाँ, और अंदर राउंड है। अच्छा, ये राउंड किस तरह क्यों किया है? अच्छा, मतलब इससे वो करेगा, ये अंदर से खाली होगा। ठीक है, ठीक हो गया। ये कितना है, साइज क्या है? 900 9x9 और हाइट कितनी है? हाइट 1 मीटर 25। 1 मीटर 25 सेंटी। ओके, ग्रेट हो गया। ये कौन सा स्टील इस्तेमाल किया? स्टील आश्रा मिली 10 मिली और स्पेस 15 सेंटी है। 15 सेंटी, ठीक है। अच्छा, ये अंदर जो है ये इसमें से क्या, मतलब ये इसका पानी अंदर जाएगा? अंदर जाएगा तो इसके राउंड है ना, सिमसिम ड्रेन। सिमसिम ड्रेन। अच्छा, तो ये इसका एक आउटलेट है कि दो? क्या? एक आउटलेट है कि दो? एक ही है अभी ऊपर। अच्छा, ये इसका किनारा हो गया, इसके ऊपर फिर स्टील वाला जो है रेडीमेड आ जाएगा। ठीक है, जो लोगो बना होगा उसका, क्लाइंट का। ठीक हो गया जी। अरे ये शटरिंग है फर्मा, उसके लिए स्केच बेसन के किनारे के लिए। वो हाशिम है, इंजीनियर अबू हाशिम, ये इस काम का एक्सपर्ट है, स्टील शटरिंग बनाता है और ये प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोजेक्ट में। तो ये कास्ट एंड प्लेस काम भी कर लेते हैं और प्रीकास्ट भी कर लेते हैं। किसी को इसका नंबर चाहिए तो मेरे साथ रब्ता करें। और ये सऊदीया में रहते हैं, किसी भी जगह पे कहाँ पे भी काम हो तो इंशाल्लाह ये आपको क्वालिटी वर्क देगा।